गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 8, डिवोशनल पार्ट टू द डिवाइन। व्हाट इज द मीन्स ऑफ दैट चैप्टर, वी विल नो। फर्स्टली दैट थिंग, डिवोशनल मीन्स होता है धार्मिक पाथ हो गया रास्ते, टू द डिवाइन मतलब पवित्रता की ओर। तो धार्मिक रास्ते जो कि पवित्रता की ओर लेके जाए इंसान को, इसके बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, तो आप सभी लोगों ने पहले देखा होगा कि बहुत सी जगहों पर लोग बाग भजन गाते रहते हैं, कीर्तन करते रहते हैं, कव्वालियां करते रहते हैं। ये सारे काम वो किस बेस पे करते हैं? ऑन द नेम ऑफ गॉड, गॉड के नाम पर। ठीक है, आप सभी लोगों ने ये भी देखा होगा कि कुछ लोग उनके सामने आंसू भी बहाते हुए दिख जाते हैं। क्यों? उनका मानना ये है कि भगवान के प्रति समर्पित प्यार है जो हमारा। ठीक है, इस प्रकार की वो भक्ति मूवमेंट या फिर सूफी मूवमेंट चलाते हैं। ठीक है, द आइडिया ऑफ सुप्रीम गॉड। तो अब सुप्रीम गॉड का आइडिया कैसे आया? तो जैसे बड़े बड़े किंगडम्स बने, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि अलग अलग ग्रुप के पीपल्स एक साथ में देवी देवताओं की पूजा करने लगे। लेकिन साथ ही साथ में जो अलग अलग ग्रुप्स के पीपल थे, उनके खुद के भी तो देवी देवता थे, वो पुराने टाइम से किसी को मानते हुए चले आ रहे थे। ठीक है, तो उनको भी उनको साथ में लेके चलना था। लेकिन जैसे जैसे चेंजेस हुए, ग्रोथ हुई टाउन्स की, ट्रेड की, एम्पायर्स की, तो नए सिस्टम डेवलप होने लगे। अब क्या हुआ कि ऐसा माना जाने लगा कि जिस प्रकार से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है हर जगह पे हर चीज का, उसी प्रकार से सारे ह्यूमन बीइंग्स का भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। ठीक है, अब क्या हुआ कि जैसे कि कोई बच्चा यदि वो बर्थ लेता है किसी नोबल फैमिली में, नोबल फैमिली मतलब राजा की फैमिली में, तो उसको शुरुआत से ही हाई कास्ट मान लिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो अनईजी आइडियाज थे, जो कि बुद्ध और जैन लोगों के हिसाब से ये सभी सोशल डिफरेंस के को दर्शाते थे, लेकिन हकीकत में हमको सोशल डिफरेंसेस को क्या करना चाहिए? तोड़ देना चाहिए। हमको ऐसा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि इंसान जातिगत नहीं जाना जाता, अपने व्यवहार से जाना जाता है। ठीक है, उसके बेस पे उन्होंने क्या हुआ कि डिवोशन के लिए या भक्ति के लिए बहुत सारी चीजें लिखना शुरू करी। उसी में से एक है भगवद गीता। भगवद गीता उस टाइम पे बहुत प्रसिद्ध हुई और आज भी है। भगवद गीता क्या है? हमारे हिंदू धर्म में भगवद गीता की एक बहुत ही अच्छी पहचान है। और भगवद गीता के बारे में क्या होता है कि जैसे हम लोगों के यहाँ पे भागवत वगैरह होती है, उसमें क्या होता है कि जो पंडित जी आते हैं वो हमको पढ़ के बताते हैं कि भगवद गीता में क्या हुआ, भगवान हमको क्या टीचिंग्स देते हैं, हमको उनसे क्या सीखना चाहिए, ये सारी चीजें। अब उस टाइम पे शिव, विष्णु और दुर्गा जी को सुप्रीम गॉड मान लिया गया। अलग अलग जगह पे इन सभी की पूजा अलग अलग नामों से की जाने लगी। जरूरी नहीं था कि सिर्फ यही नाम उनको दिए जाए। उनके जो नाम थे, ये सारे नाम उनके पुरानी सोच से डिपेंडेंट थे कि जो कुछ जगहों के लोकल मिथ्स थे, पुरानी सोचें बनी हुई थी, उसके हिसाब से उन लोगों ने नाम रख दिए थे। उसी के बेस पे एक नई प्रकार की भक्ति शुरू हुई साउथ इंडिया में, जो कि नयानार्स और अलवर्स के बीच में हुई। क्या है ये नयानार्स और अलवर्स? देखिए, ऐसे लोग जो कि भगवान शिव को मानते थे, उनको उस ग्रुप को नाम दिया गया नयानार्स, और ऐसे लोग जो कि भगवान विष्णु को मानते थे उनको नाम दिया गया अलवर्स। ठीक है, अब इन सभी ने क्या किया, इसमें जरूरी नहीं था कि सारे अपर कास्ट के ही लोग हों, इसमें हर प्रकार के लोग थे, जिसमें से अनटचेबल्स भी थे, जिसने उन टाइम पे अनटचेबल माना जाता था, पुलाइयार और पनार्स। ठीक है, अब क्या था कि इस चीज को चलते हुए बुद्धिस्ट और जैन लोग जो थे, वो भी शिवजी और विष्णु जी के पाथ पे विश्वास करने लगे। उनका मानना ये हो गया कि ये बहुत अच्छा रास्ता है। ठीक है, अब क्या हुआ कि इन चीजों को आगे बढ़ाने के लिए नयानार्स और अलवर्स ने, दोनों ने एक जगह से दूसरी जगह पर जाना शुरू कर दिया, पोएम्स लिख दी अपने भगवान से रिलेटेड, ताकि हम गांव-गांव गली-गली जाकर अपने भगवान के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बता पाए। बिटवीन द 10th एंड द 12th सेंचुरी, 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में चोल और पांड्य किंग ने बहुत बड़े बड़े टेम्पल बनवाए। ठीक है, उनकी वहां पर क्या हुआ, बहुत सारे संत आने लगे, पोएट्स। ठीक है, अब उनके साथ में भक्ति ट्रेडिशन और बढ़ना शुरू हो गया। साथ ही साथ में बहुत सारी हेजियोग्राफीज और रिलीजियस बायोग्राफीज भी लिखना शुरू कर दी अलवर्स और नयानार्स ने। अब आप सोच रहे होंगे हेजियोग्राफीज क्या होती हैं? देखिए, तो क्या है कि ऐसे
ऐसी चीजें जो कि हमको अपने धर्म से रिलेटेड बातों के बारे में बताएं, ठीक है, उनको हम हेजियोग्राफी बोलते हैं, जिसमें धर्म से रिलेटेड कोई चीज जानकारियां लिखी हुई हो उनको आप हेजियोग्राफी बोलेंगे या फिर रिलीजियस बायोग्राफी बोलेंगे। तो ये भी एक सोर्स बन गया था कि लिखित रूप से लोगों को अपने धर्म के बारे में बताने के लिए। इसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग है फिलोसफी एंड भक्ति, जिसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, बाय।